हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज फिर एक वीडियो लेके आ गया हूँ। पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने आपको बेटकास्टिंग में लाइन चढ़ाने का तरीका बताया था, जो ऐसा कुछ खास तरीका नहीं है कि मेरा बताया हुआ तरीका सबसे अच्छा हो। ये कॉमन सी चीज़ है दोस्तों। तो आज हम दोबारा से दोस्तों आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये टेकोगाना की मेरी रील है, बहुत अच्छी है, लुकाना की, और यह गून स्क्वाड की लाइन है। देखिए आप, तो गून स्क्वाड की रॉड है और ये लाइन YGR की थी फ्रेंड्स। ये मेरा कहीं उलझ गया था, तो उलझने की वजह से मुझे इसको तोड़ना पड़ा। अब ये लाइन इसके अंदर थोड़ी सी रह गई है, तो इस लाइन को पहले हम आउट कर देते हैं इसमें से, और उसके बाद हम नई लाइन चढ़ाएंगे इसके अंदर YGR 9 की दोस्तों। तो देखिए ये निकलना शुरू हो गई है इसमें से। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल खाली हो गई है। अब इसके बाद इसका स्पूल हमें यहाँ से मैग्नेट हटाना है और स्पूल बाहर निकालना है। तो देखिए इसके अंदर एक लॉक दिया हुआ है, ये यहाँ पे इसको हमने अनलॉक किया, और उसके बाद इसको वही ट्विस्ट करने का तरीका, उसमें ऊपर करते हैं अबू गार्सिया में और इसके अंदर नीचे। दोस्तों देखिए मैग्नेट, बहुत अच्छे मैग्नेट हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मैग्नेट है। और ये स्पूल को हमने दोस्तों बाहर निकाल रहे हैं, देखिए आप, ये स्पूल हमने बाहर निकाल लिया दोस्तों। इसके बाद इसको कट करेंगे। देखिए ये इतना लूज होता है, इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से, इसका जो फंदा होता है उस फंदे में से इसको हमें ढीला करना है। स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर आ गया है। इसके बाद इसको इस तरीके से कर लिया हमने दोस्तों, और ये पूरा आउट कर दिया। तो दोस्तों इसको हम इसमें से हटा देंगे और नई लाइन चढ़ाएंगे हम YGR 9। देखिए फ्रेंड्स, इसका भी स्पूल बहुत बड़ा है, तो देखिए 75 मीटर के लगभग हमारे पास ये बची हुई है। तो हम सबसे पहले वही पहले की तरह इसके अंदर से निकालेंगे। पहले हमारे से गलती हो गई थी, तो इसके ये जो होल दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें से हमें निकालना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमने इसमें निकाल ली यहाँ पर, देखिए। और इसके बाद कहाँ गई, गुम जाती है दोस्तों ये तो ये ऐसे निकाल लिया है हमने फ्रेंड्स इसको। अब इसको वही जो मैंने तरीका बताया था आपको, बेस्ट है दोस्तों, इसको इस तरीके से ही आपको पकड़ना है पूरा, और यहाँ से इसको डबल में आपको इस तरीके से कर देना है। 1, देखिए 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसको इसको देखिए आप, इस तरीके से हमने टाइट कर दिया, और हमें सीज़र मिल गई है आज तो। पकड़िए इब्राहिम भाई, ये एक्स्ट्रा है दोस्तों, इसको काट देंगे यहाँ से। इसको आप जला भी सकते हैं, अगर आपके पास मैच बॉक्स हो या कुछ हो तो इसको जला दीजिएगा। वही आपको डबल करना है इस तरीके से, ये डबल कर लिया हमने, ये डबल कर लिया। इसके बाद हमें इसमें इसमें डालना है इस तरीके से, और यहाँ से हमें टाइट कर देना है। ये देखिए, ये देखिए सेंटर में ले लेते हैं, अच्छी तरह टाइट कर दिया। रील गिर गई है हमारी लाइन, सॉरी। देखिए अब इसको वापस से इसको पूरी को हमने निकाल के और ये स्पूल इसमें लगा दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये स्पूल इस पे लग गया है। अब इसके बाद इसको वापस से हम लॉक करेंगे, तो लॉक करने का देखिए आपको बता दूं, ऐसे और या अब हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद इसको यहाँ से वापस से लॉक कर देंगे। अब इस पर भी लाइन भरना स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंड्स। थोड़ा टाइट भरेंगे आप, क्योंकि जब अपन पानी पे चलाते हैं तो वो फ्रॉक से इतना लूज आती है, तो इसलिए हमें टाइट टाइट अभी आप भर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से पकड़िए मैम, यहाँ से इब्राहिम भाई हेल्पिंग हमारे, ज़बरदस्त। देखिए आप, भरना शुरू हो गई लाइन।
पकड़ में आ नहीं रहा इब्राहिम भाई के, टाइट पकड़िए इब्राहिम भाई है ना। दोस्तों आप 75 या 80 मीटर के लगभग ही आपकी लाइन आएगी, तो इससे ज़्यादा भरने की कोशिश भी ना करें। इस पूल से बाहर आएगी तो बढ़ने लग जाएगी ऊपर नीचे की बॉडी से। ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो पूरा आम भरते हुए इसके अंदर, दोस्तों कई बार इसमें देखा गया है कि एक साइड पे लाइन चढ़ती है एक साइड पे नहीं चढ़ती, तो इसका मैं बता दूं आपको, यहां पे एक नट होता है, उस नट को आप या तो लूज कर लीजिएगा या टाइट कर लीजिएगा। जहां पे आपका कम चढ़ रहा है तो आपका पूरा लेवल आना शुरू हो जाएगा। ओके दोस्तों हमारी लाइन पूरी हो चुकी है, देखिए आप बहुत अच्छे से ये लाइन भरी है। ओके फ्रेंड्स थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, अल्लाह हाफिज़।